आज एमएससी प्रीवियस बॉटनी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एमएससी प्रीवियस बॉटनी प्रैक्टिकल कैसे कंडक्ट होता है, कौन कौन से पेपर से कैसे कैसे हमको प्रैक्टिकल करना होता है, कौन से स्लाइड्स होते हैं, कौन से स्पेसिमेंस होते हैं, नंबर कैसे डिवाइड होते हैं, इन सब के बारे में हम आज आप लोग को बताएंगे, है ना। और कैसे हम कर सकते हैं प्रैक्टिकल, एक आइडिया हम इसमें आपको देंगे। तो एमएससी प्रीवियस में दो प्रैक्टिकल हम मान के चलते हैं कि वो दो प्रैक्टिकल हैं जो कि डिवाइड कर दिए जाते हैं फर्स्ट डे में और भाई फिर सेकंड डे प्रैक्टिकल। हो सकता है कि आपका एक ही एग्जामिनर हो जो दोनों प्रैक्टिकल कंडक्ट कराए, हो सकता है कि दोनों प्रैक्टिकल के लिए अलग अलग एग्जामिनर नियुक्त हों, ठीक है। तो फर्स्ट डे में क्या होता है कि फर्स्ट डे का जो पहला प्रैक्टिकल है वो थ्योरी पेपर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर बेस्ड है, और जो दूसरा प्रैक्टिकल है वो थ्योरी पेपर फोर्थ और फिफ्थ के उसमें बेस्ड है, ठीक है। तो नंबर क्या है, प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हैं वो फर्स्ट डे के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर पर बेस्ड है उसमें 120 नंबर का प्रैक्टिकल है, और जो सेकंड प्रैक्टिकल है फोर्थ और फिफ्थ में उसमें 80 नंबर प्रैक्टिकल में हैं। अब आती है बात कि हम इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो पहला प्रैक्टिकल है जो तीन पेपर पे बेस्ड है वो 7.5 घंटे का है, ठीक है, और इसमें नंबर हैं 120 नंबर, ठीक। अब आती है बात कि जो 120 नंबर हैं वो कैसे इसमें डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, वो फंगल मटेरियल से है, फंजाई से है। तो फंजाई में फंगल मटेरियल एटलीस्ट टू प्रिपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, जो कि क्या है 16 मार्क्स का है, ठीक है। सेकंड है एल्गल मटेरियल एटलीस्ट 3 फ्रॉम ए मिक्सचर प्रिपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। इसमें क्या है कि एल्गी मिक्स्ड होती है और उसको आपको माइक्रोस्कोप में देख करके निडिल की हेल्प से उसको अलग अलग सेपरेट करना होता है, जो कि तीन एल्गी होती हैं और तीनों एल्गी की स्लाइड आपको बनानी होती है, ठीक है। और थर्ड है ब्रायोफाइट 1 प्रिपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, जो कि 12 नंबर का है, कि एक ब्रायोफाइट जो आपके सिलेबस में है उसमें से स्पेसिमेन एक होगा ब्रायोफाइट का दे दिया जाएगा आपको, जिसको कि आपको थैलस होगा, आप उसका टीएस काटेंगे और उसका स्लाइड आप बनाएंगे, ठीक। अब आता है फोर्थ, फोर्थ में क्या है टेरिडोफाइट 1 डिटेल स्टडी प्रिपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, जो कि 12 नंबर का है, ठीक है, 12 नंबर का है, और इसमें भी एक टेरिडोफाइट दे देंगे जो कि आपके सिलेबस में है। टेरिडोफाइट में भाई आपका सिलेबस में जैसे सिलाजिनेला हो सकता है, लाइकोपोडियम हो सकता है, मार्सिलिया हो सकता है, एक्सेट्रा जो हैं आपके सिलेबस में, उससे जो मटेरियल उपलब्ध होता है वो दे दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर है आपका जिम्नोस्पर्म 1 डिटेल स्टडी प्रिपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, जो कि क्या है 15 मार्क्स का है। अब जिम्नोस्पर्म जो कि आपके सिलेबस में जैसे भाई साइकस होगा, पाइनस होगा, और भी जो हो सकते हैं, इसमें से कोई भी एक आएगा स्पेसिमेन, उसको आपको क्या करना है, उसका सेक्शन काटना है, डबल स्टेन करना है, स्लाइड बनाना है और फिर उसको लिखना है, ठीक है। अब आती है बात सिक्स्थ नंबर पे क्या है आपका एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन बैक्टीरिया, जो कि क्या है 6 मार्क्स का है। इसमें क्या होता है कि जो इस एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरिया मीन्स हो सकता है आपको कर्ड प्रोवाइड कर दे, दही प्रोवाइड कर दिया जाए और आपको ग्राम स्टेनिंग करनी पड़ेगी और स्लाइड बना के, और फिर उसके बाद ग्राम स्टेनिंग कैसे कैसे आप स्टेप वाइज के ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैसे हमको दिखते हैं, उसको स्टेप वाइज ड्रॉ करके और उसके बारे में लिखना होता है कि कैसे हमने स्टेनिंग करी, ठीक है। फिर आती है बात
सेवेंथ नंबर पर, सेवेंथ नंबर पे क्या होता है, कमेंट अपॉन स्पॉट्स 1 to 8, मतलब कि टोटल आपको 8 स्पॉट्स रखे जाते हैं स्पॉटिंग में, है ना। स्पॉटिंग जैसे आपने बीएससी में भी करी होगी, तो जनरली क्या होता है 8 स्पॉट इसमें रखे जाते हैं। स्पॉट में आपके क्या हो सकते हैं, स्पेसिमेन हो सकते हैं, जो कि क्या है आपके 24 नंबर का है, मतलब 8 × 16 = 24, मतलब एक स्पॉट 3 नंबर का है, ठीक है। तो एक स्पॉट पे वैसे मान के हम चलते हैं कि 2.5 से 3 मिनट दिया जाता है लिखने के लिए, ठीक है। तो 8 स्पॉट रखे जाएंगे, उसमें स्लाइड्स हो सकती हैं, स्पेसिमेन हो सकते हैं, फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको हर स्पॉट के पास जाना है और 3 मिनट, 2.5 से 3 मिनट के अंदर उसके कमेंट, उसको आइडेंटिफाई करना, उसके कमेंट लिखना, एक सिंपल डायग्राम कैसे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं उस स्पॉट को, और उसको लिखना है, ठीक है। अब आते हैं 8वें नंबर पे। 8वां नंबर है आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, प्रिपेयर्ड स्लाइड एंड कलेक्शन, जो कि क्या है 10 मार्क्स का है। 10 मार्क्स इसमें क्या है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड भाई, एल्गी, फंजाई, बायोफाइट, टेरोफाइट, जिम्नोस्पर्म, जो भी आपने साल भर प्रैक्टिकल किए हैं उसका आपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनाया होगा, ठीक है, हो गया। फिर प्रिपेयर्ड स्लाइड एंड कलेक्शन, तो क्या होता है कि साल भर एमएससी में आते हैं तो हम लोग स्लाइड्स प्रिपेयर करते हैं, और क्या करते हैं, जैसे जिम्नोस्पर्मिक स्लाइड्स है उसको हम लोग क्या करते हैं, परमानेंट स्लाइड बना करके और कलेक्ट रखते जाते हैं, कलेक्शन करते जाते हैं। तो लास्ट में क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है वो पूछता है भाई कौन कौन से स्लाइड, पर ठीक है अगर आपके पास नहीं है व्यवस्थाएं तो उसके लिए कुछ नहीं हो सकता, चलिए। और कलेक्शन मतलब ये भी हो सकता है कलेक्शन में कि आप कहीं एक्सकर्शन पे गए हैं, वहां से आप ब्रायोफाइट लाए हैं या एल्गी लाए हैं या भाई कोई जिम्नोस्पर्मिक प्लांट लाए, जो भी एक्स वाई जेड, जो भी अपने सिलेबस के हिसाब से आपने कलेक्शन किया है, वो पूरा डिपेंड करता है उस पर ये 10 मार्क्स, ठीक है। और फिर है वाइवा वोसी जो कि है 10 मार्क्स का, और 10 मार्क्स में वाइवा वोसी में कोई लिमिट नहीं है, आपके पूरे चारों पांचों पेपर में से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसके लिए, और हम आइडिया ज़्यादा नहीं दे पाएंगे क्योंकि वाइवा में कोई लिमिट नहीं है, कहाँ से कैसे पूछेगा एग्जामिनर इसको हम, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि जो हमने डिस्कस किया क्या कि कैसे नंबर डिवाइड हुए, ठीक है। तो कैसे नंबर डिवाइड हुए, तो इसमें जनरली भाई कि भाई फर्स्ट है जो फंगल मटेरियल, तो भाई क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन आपका ऐसे बन सकता है कि प्रिपरेशन ऑफ स्लाइड एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिवन फंगल मटेरियल ए एंड बी, है ना। ए मटेरियल रखा है, बी मटेरियल रखा है, आपको इन दोनों को क्या करना है, ले करके स्लाइड बना के आइडेंटिफाई करके और फिर उसके कमेंट लिखने हैं आपको, ठीक है, कि ये फंगल मटेरियल, गिवन मटेरियल ए, गिवन मटेरियल बी इज एक्स वाई जेड, जो भी फंगस है, ठीक है। और ऐसे ही आपको सेकंड एल्गल मटेरियल में से क्वेश्चन बनेगा कैसे, प्रिपरेशन ऑफ स्लाइड एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिवन मिक्स्ड एल्गल कल्चर, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन बनेगा प्रिपरेशन ऑफ स्लाइड एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिवन ब्रायोफाइट मटेरियल, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन बनेगा प्रिपरेशन ऑफ स्लाइड एंड आइडेंटिफिकेशन एंड डिटेल्ड स्टडी ऑफ गिवन टेरिडोफाइट मटीरियल, ठीक है। डिटेल्ड स्टडी में टेरिडोफाइट को आपको डबल स्टेनिंग करनी है, ठीक। वहीं आपका अगला क्वेश्चन बन रहा है प्रिपरेशन ऑफ स्लाइड एंड आइडेंटिफिकेशन एंड डिटेल्ड स्टडी ऑफ गिवन जिम्नोस्पर्मिक मटेरियल। तो टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में आपको डबल स्टेन करनी है, स्लाइड बनानी है, फिर सेलुलर डायग्रामेटिक डायग्राम बनाना है, सेलुलर डायग्राम बनाना है, लेबल करना है, कैरेक्टर्स लिखना है, आइडेंटिफिकेशन विथ क्लासिफिकेशन, और लास्ट में आपको डिक्लेयर करना है कि गिवन मटेरियल आपका क्या है, ठीक है। उसके बाद आपका ग्राम स्टेनिंग, जो कि आपको मैंने बताया है जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड है ऑन बैक्टीरिया पर, उस पर एक्सपेरिमेंट आपको दे सकते हैं, ग्राम स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो ऐसे आपके ये क्वेश्चंस इसमें बनेंगे। अब आती है बात कि हम कैसे
कैसे कर सकते हैं, और एक सिंपल एक आध दो एग्जाम्पल लेके हम आपको बता सकते हैं कि भाई एल्गी कैसे दिखता है, फंजाई कैसे दिखता है, और ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म ये कैसे दिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट तो पहले ये बात आती है कि हम फंजाई को किससे स्टेन करेंगे। फंजाई को हम स्टेन करेंगे कॉटन ब्लू विथ लैक्टोफिनॉल। अगर लैक्टोफिनॉल उसमें साथ में नहीं है कॉटन ब्लू के, तो हम लैक्टोफिनॉल से उसको माउंट करेंगे। ठीक है, एल्गी में हम क्या करेंगे कि हो सकता है सैफ्रनिन हो या फास्ट्रिन हो, उससे हम सिंगल स्टेन होगा एल्गी, और हम इसको एल्गी को स्टेन करेंगे और फिर ग्लिसरीन माउंट करेंगे और टेम्परेरी ही स्लाइड बनाएंगे। ब्रायोफाइट में भी हम सिंगल स्टेन करेंगे, सेक्शन काटेंगे, सिंगल स्टेन करेंगे। सिंगल स्टेन में जो हमारे लैब में है उपलब्ध सैफ्रनिन है या फास्ट्रिन है, उससे हम स्टेनिंग करेंगे वॉश करके और ग्लिसरीन माउंट करेंगे। ठीक है, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म इन दोनों में हम क्या करेंगे, डबल स्टेनिंग करेंगे। सैफ्रनिन हो सकता है, फास्ट ग्रीन हो सकता है, दोनों साथ में ले लें, या और जो लैब में उपलब्ध होते हैं उसमें हम दो स्टेन लेकर के इसमें डबल स्टेनिंग करते हैं और उसके बाद इसकी ग्लिसरीन माउंट स्लाइड बनाते हैं और हम उसको फिर आगे स्टडी करके आइडेंटिफाई करके हम अपने उसमें लिखेंगे कॉपी में। सिक्स नंबर है एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन बैक्टीरिया, जो कि 6 मार्क्स का है। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन आपका बनता है कि ग्राम स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, अब ग्राम स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया में क्या करना है आपको कि स्मेयर कर्ड से है आपको ग्राम स्टेनिंग करनी है, लेकिन मेन इसमें क्या होते हैं कि जो रिएजेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्रिस्टल वायलेट होता है, आयोडीन होता है, इथाइल अल्कोहल होता है और सैफ्रनिन होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग इसमें, जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए हम एक स्मेयर बनाते हैं दही का, कर्ड का स्लाइड में, और उसके बाद हम क्या करते हैं इसका फिक्सेशन शुरू स्टार्ट करते हैं। तो क्या करते हैं, पहले उसको थोड़ा सा हीट करके उसको ड्राई करते हैं, फिर हम उसमें क्या करते हैं, तो जब ड्राई करने के बाद देखते हैं हमको कलरलेस सेल्स दिखाई देती हैं, फिर हम क्या करते हैं उसमें क्रिस्टल वायलेट का ट्रीटमेंट करते हैं, क्रिस्टल वायलेट से स्टेनिंग करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 30 सेकेंड, तो हमको क्या होता है पर्पल सेल्स दिखाई देने लगती हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं उसमें आयोडीन सॉल्यूशन से ट्रीट करते हैं 1 मिनट के लिए, तो क्या होता है ये पर्पल सेल हमको दिखाई देने लगती हैं, सब पर्पल दिखाई देती हैं। फिर उसके बाद अगला स्टेप होता है जो कि हम इथाइल अल्कोहल से 10 से 20 सेकेंड्स के लिए ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें कि क्या होगा कि जो ग्राम पॉजिटिव सेल्स होंगी वो क्या करेंगी पर्पल कलर दिखाई देंगी, और ग्राम नेगेटिव वाली क्या करेंगी वो कलरलेस दिखाई देंगी। और नेक्स्ट स्टेप होता है जो कि सैफ्रनिन से हम अप्रॉक्सीमेटली 30 सेकेंड्स उसको ट्रीट करेंगे, तो जो ग्राम पॉजिटिव सेल्स हैं वो पर्पल रहेंगी और जो ग्राम नेगेटिव सेल्स हैं वो क्या होगी पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्राम स्टेनिंग। ये आपको डायग्राम के सहित स्टेप वाइज और केमिकल्स के जो हम यूज कर रहे हैं उनके नाम लिखना है और डायग्राम बना करके आपको क्लियर करना है। फर्स्ट स्लाइड है एल्गी। एल्गी में जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया है नॉस्टॉक। ठीक है, तो नॉस्टॉक फिलामेंट जैसा कि माइक्रोस्कोप में हमको दिखता है कि ये नॉस्टॉक फिलामेंट हमको कैसा दिखेगा, तो इसमें आप देख रहे हैं ये जो स्लाइड है ये माइक्रोस्कोप से दिख रहा है, इस तरह से दिखाई देता है। ये नॉस्टॉक फिलामेंट है, वेजिटेटिव सेल्स दिख रहा है, हिट्रोसिस्ट दिख रहा है ना। और इधर एल्गी में मैंने बनाया है जिग्निमा है, जो कि जिग्निमा है एल्गी में आता है, इस तरह से इसमें इस फिलामेंट्स दिखाई देते हैं। पॉलीसाइफोनिया है, पॉलीसाइफोनिया में किस तरह से दिखाई देता है, तो ये मैंने 3 एल्गी के एग्जांपल लिए हैं कि इस तरह से हमको एल्गी दिखाई देती है। ठीक है, अब आती है बात कि फंजाई की। फंजाई में क्या है, अल्टरनेरिया लिया है, फाइटोप्थोरा, अनसिन्यूला। ठीक है, जो आपके लैब में उपलब्ध होगा वही मटेरियल दी जाएगी। मैंने एक एग्जांपल आपको बताया है, ठीक है, कि भाई ऐसे दे सकते हैं एग्जांपल कि हम ये फंजाई मिल सकता है प्रैक्टिकल में इस तरह से।
तो अब आती है बात, अल्टरनेरिया है, फाइटोप्थोरा है, अंसिन्यूला है। तो अल्टरनेरिया भाई हो सकता है आपको इन्फेक्टेड लीफ मिल जाए जो कि आपको टीज करना हो, और टीज करके आप उसको फिर देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो अल्टरनेरिया आपको दिखाई देगा। या तो ये भी हो सकता है कि आपको कल्चर दे दिया जाए अल्टरनेरिया का, और आपको निडल से लेके उसका जो माइसीलियम है और उसके बाद आप उसको आइडेंटिफाई करें। फाइटोप्थोरा है, ये आपको मटीरियल मिल सकता है। अनसिन्यूला है, इन्फेक्टेड लीफ मिल सकती है जिसको आप निडल से टीज करके स्लाइड में रखेंगे, और फिर उसको कवर स्लिप से जब टी प्रेस करेंगे तब तो आपको क्या होगा, क्लिस्टोथीसिया इस तरह से दिखाई देंगे, और इसकी जो अपेंडेजेस हैं ये क्या हो, टिप में एकदम इसके कर्ड कर्ड होते हैं, है ना। अनसिन्यूला हम ऐसे पहचान देते हैं। अब आती है बात ब्रायोफाइट की। ब्रायोफाइट में मैंने जैसे पेलिया का दे दिया कि भाई थैलस मिल गया, अब थैलस आपने सेक्शन काटा, स्टेन किया और फिर उसको आइडेंटिफाई किया, तो इस तरह से हमको दिखाई देता है माइक्रोस्कोप में। जिम्नोस्पर्म में भाई इफेड्रा हो सकता है, एफेड्रा दे दिया, या जिम्नोसोम साइकस दे सकते हैं, पाइनस जो उपलब्ध होगा लैब में वही दिया जा सकता है। और उसका भाई किसी में सेक्शन आपको स्टेम का काटना पड़े, किसी का भाई कोन का काटना पड़े, वो आपके उस पर डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो आपको क्या दे सकता है। टेरिडियम हो सकता है टेरिडोफाइट में, लाइकोपोडियम हो सकता है, सेलेजिनेला हो सकता है, और इस तरह से हम प्रैक्टिकल एग्जाम में अपना आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आती है बात आपके स्पॉट्स की। स्पॉट्स में भाई कोई ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि क्या रखा जाएगा क्या नहीं रखा जाएगा, मतलब कोई भी स्पेसिमेन, कोई भी फंगल लीफ जो कि आपने पढ़ी होगी, आपके सिलेबस में होगा, उसको रखा जा सकता है। और उसको आपको क्या करना है, 2.5 से 3 मिनट के अंदर उसको आइडेंटिफाई करना है, उसके कैरेक्टर, उसका क्लासिफिकेशन लिखना है, डायग्राम बनाना है और कैरेक्टर लिखना है। बस जैसे मैंने ये फर्स्ट है जैसे दिया आपको सर्कोस्पोरा। सर्कोस्पोरा क्या है, फंगल डिसीज है, तो इसको आपको सर्कोस्पोरा के बारे में लिखना होगा, उसका क्लासिफिकेशन लिखना होगा। एगेरिकस है, मशरूम है, ये रख दिया। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि बताना पड़ेगा भाई स्पॉट नंबर दिस इज एगेरिकस, और फिर उसका क्लासिफिकेशन और मेन मेन कैरेक्टर आपको उसके देने होंगे। लाइकेन से रखा जा सकता है कोई भी, आपको भाई क्रिस्टोस लाइकेन, फोलियोज लाइकेन, फ्रूटिकोज लाइकेन, हो सकता है कि इसकी पिक्चर ही रख दी जाए, मतलब फोटोग्राफ रख दिया जाए, हो सकता है स्पेसिमेन हो तो वो रख दिया जाए, हो सकता है कि आपको लाइकेन की स्लाइड रख दी जाए। तो स्पॉट्स में कुछ भी हो सकता है आपके पास, कि स्लाइड, स्पेसिमेन, कुछ भी रखा जा सकता है। जिम्नोस्पर्म में हो सकता है कोन रख दिया जाए, या साइकस की लीफलेट रख दी जाए, ठीक है। अब वायरल डिसीज में हो सकता है मोजाइक लीफ रख दी जाए, हो सकता है कुछ आपको कोई दूसरी वायरल इन्फेक्टेड लीफ रख दी जाए, जैसे यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं एजोला रूट क्रॉस सेक्शन, ठीक है। एजोला मतलब टेरिडोफाइट में आपके जो भी सिलेबस में है भाई, मार्सेलिया है, एजोला है ना, तो ये एक सिंपल एग्जांपल हमने लिया है कि एजोला में दे दिया आपको भाई रूट का टीएस काटिए, तब आपको स्लाइड क्या होगी इस तरह से दिखाई देगी, जैसा कि आपको इसमें देख रहे हैं स्लाइड, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड है ये, कि इस तरह से दिखाई देता है भाई। एपिब्लेमा है, आउटर कॉर्टेक्स है, इनर कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल है, मेटाजाइलम है, फ्लोयम है, ठीक है, इस तरह से प्रोटोजाइलम है, ये सब दिखाई देते हैं, ठीक है। अब आती है बात, इसको भी आपको क्या करना है, स्लाइड को आइडेंटिफाई करना है, और इसका सेलुलर डायग्राम बनाना है, लेबल करना है और क्लासिफिकेशन लिखना है। नेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है मार्सीलिया का, भाई मार्सीलिया टेरिडोफाइट है, इसमें क्या है, स्पोरोकार्प वीएस है, टीएस है, ठीक है, एलएस है, कि जैसे ये स्पोर, ये भी हो सकता है कि सिंपल आपको स्पोरोकार्प रख दिया जाए उसमें वॉश ग्लास में कि आइडेंटिफाई करिए आप, और हो सकता है कि आपको इनमें से किसी कोई भी स्लाइड रख दी जाए कि आप इसको आइडेंटिफाई करिए, तो आपको इसको आइडेंटिफाई करके लेबल करके और उसका क्लासिफिकेशन लिखना है। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए थे टेरिडोफाइट के।
ये मैंने आपके एमएससी प्रीवियस के प्रैक्टिकल का फर्स्ट पार्ट मैंने इस वीडियो में दिया है आपको और समझाया है, और 120 मार्क्स का। अब जो सेकंड पार्ट है, जो सेकंड प्रैक्टिकल मान के हम चलते हैं एमएससी 1 बॉटनी का, उसका 80 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल है, उसके लिए मैं बहुत जल्द नेक्स्ट अपना वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। प्लीज, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसको आप जरूर देखें और सब्सक्राइब करें और कमेंट दें बॉक्स में। थैंक यू।